आम आदमी पार्टी बाकी विरोधी दल जड़े हैं बड़े दावे कर रहे थे कि डेढ़ साल से कुछ ज़्यादा काम नहीं करके दिता आम आदमी पार्टी ने, लेकिन वो सिर्फ दावे ही रहे उन्होंने। एक बार वही जित जी है थोड़ा मिली है, की कहना थोड़ा? बहुत ही मैं समझदा भी एक इतिहासिक फैसला जलंधर के लोगों ने दिता। मैं आप भी जलंधर की इलैक्शन के रहा है और जिस किस्म का उत्थे लोगों के अंदर चर्चा होंगी रही है, चाहे कोई पढ़े लिखे लोग ने, चाहे दुकानदार ने, शहरी ने, पेंडू ने, हर तबके ने साड़ी गल बड़ी गौर न सुनिया, बड़े संजीदा ढंग के नाल। और असी हमेशा ये गल कहते रहे भी जोड़े जलंधर के लोग ने दुआबे से वो बहुत सियाने ने, सूझवान ने, तो वह उन्होंने प्रगटावा भी किया अच। और मैं समझना भी 60,000 तो उपर जी लीड ये आम आदमी पार्टी को दे के साढ़े जोड़े उ कैंडीडेट जितते ने अच सुशील रिंकू जी, ये पिछे जोड़ा 14 महीनों का मानजोग मुख्यमंत्री जी का लगातार पंजाब के लोगों के पक्ष काम करना जोड़ा वह काज हैगा, ये रिजल्ट है। और तुम देखिए भी इन 14 महीनों के दौरान ना कोई सरकार का मंत्री, ना सरकार का MLA, तो CM खुद 18-18, 16-16 घंटे काम करते रहे हैं। सो पंजाब के लोगों वड्डियां सौगात मिली, पंजाब के अंदर 600 यूनिट बिजली का हरेक परिवार को जोड़ा दिता गया है, 28,000 पंजाब के बच्चों रुजगार मिले। सो कच्चे प्लाजे पक्के किए, पुरानी पेंशन बहाल की, टोल प्लाजे जोड़े लुकवे ढंग चलते रहे सर पुरानी सरकार की कृपा करके, वो भी चके गए बंद कराए। सो मैं समझदा ये मान साहब के 14 महीनों का जो रिकॉर्ड है काम का, ये वह परिणाम है। तो मैं जलंधर के लोगों भी सल्यूट करदा, तो जोड़े जीते ने साढ़े सुशील रिंकू जी, उन्होंने उन्होंने परिवार को, सारे ही वलंटियर भोए के लोगों को, पठानकोट के लोगों को अज की जित ने बहुत व्डा जरा बल बख्शिया। और असी होर भी अगे नालों तेजी के नाल पंजाब के लोगों की सेवा करा। पंजाब दियां वड्डियां अते ताज़ा खबरां दे लई अज दी आवाज़ दे फेसबुक पेज नूं लाइक करो, पेज फॉलो कर अपने दोस्तां दे नाल सांझा करो। देश विदेश नाल जुड़ियां हर तरह दियां खबरां लई तुसी साडे यूट्यूब चैनल अज दी आवाज़ नूं सबसक्राइब करो। हर एक तरह दी लेटेस्ट ब्रेकिंग खबर लई सानूं तुसी इंस्टाग्राम दे उत्ते वी फॉलो करो। देश विदेश दी हर एक तरह दी खबर हुण तुहानूं मिलेगी सिर्फ अज दी आवाज़ दे उत्ते। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਈ ਪੇਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮਸਲੇ, ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰ।